वेलकम टू कंप्यूटर ज्ञान कोडिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं सीएसएस 3 के बारे में। सीएसएस 3 में एनिमेशन कैसे यूज़ करते हैं, कैसे डालते हैं एचटीएमएल सीएसएस का यूज़ करके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चालू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सीएसएस 3 एनिमेशन का मैंने एक फोल्डर बना लिया है। अब इसके अंदर मैंने सीएसएस का भी फोल्डर बनाया है और स्टाइल डॉट सीएसएस का और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का। डबल क्लिक करके मैं इसको बाहर ले लेता हूँ। तो अभी मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे एचटीएमएल लिखेंगे, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा प्रॉपर्टीज। उसके बाद अभी हमें यहाँ पर टॉपिक का नाम डालना पड़ेगा, सीएसएस 3 एनिमेशन। उसके बाद अभी ये फाइल से लिंक करनी पड़ेगी ये दोनों। तो अटैचमेंट के लिए यहाँ पे हम लिंक देंगे इसको, सीएसएस के अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस का फोल्डर है आपका। यहाँ पे हम लोग मेटा का भी लिंक यूज़ करेंगे, मेटा टैग भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नेम व्यू पोर्ट कंटेंट, हमारा कंटेंट रहेगा width इज इक्वल टू डिवाइस माइनस विथ। यहाँ पे अभी कॉमा डालना है। इसके बाद यहाँ लिखना है इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1। ये हमारा मेटा टैग हो गया। मेटा टैग भी रिस्पॉन्सिव के लिए यूज़ करते हैं, बट हमें यहाँ पे देना पड़ता है। यहाँ पे बॉडी के अंदर अभी आएंगे। बॉडी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे मेन एरिया यूज़ करेंगे। मेन एरिया के हम यहाँ पे डिवाइडेशन यूज़ करने के बाद मेन एरिया यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेन एरिया के हम आईडी ले लेते हैं, आईडी उसके अंदर ले लेंगे मेन एरिया। कंट्रोल प्लस एस करके इसको सेव कर देंगे। स्टाइल डॉट सीएसएस में आएंगे, यहाँ पे यूनिवर्सल लगा लेते हैं। उसके बाद इसकी मार्जिन जीरो कर देते हैं, इसकी पैडिंग भी जीरो कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे यूएल का यूज़ करेंगे नॉन रिलीस्ट। इसको लिस्ट स्टाइल को हम यहाँ पे नन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ए एंकरिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन रहेगा इसका भी यहाँ पे ही नन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने आईडी का यूज़ किया है, तो यहाँ पे मेन एरिया को भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हैशटैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हैशटैग मेन एरिया, उसके बाद यहाँ पे मेन एरिया हमने ले लिया। अब मेन एरिया का हमें विथ और हाइट देना पड़ेगा। तो विथ जैसा अप्रोक्सीमेट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 300 पिक्सल। उसके बाद इसकी हाइट भी ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट हम यहाँ पे 300 पिक्सल। इसकी मार्जिन जो रहेगी इसकी जीरो दे देते हैं और टॉप बॉटम से इसको ऑटो दे देते हैं। बॉटम से देने के बाद में इसको हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी देंगे। बैकग्राउंड कलर जैसे कि हम यहाँ पे जैसे कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे बीबी यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। कंट्रोल प्लस इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखेंगे तो आ गया हमारा। लेकिन अभी ये क्या ऊपर से ज़्यादा आ रहा है, तो अभी ऊपर से हमें नीचे लेके आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे ऊपर से नीचे लेके आने के लिए हमें यहाँ पे स्टाइल डॉट सीएसएस में आना है। ये मार्जिन जो रहेगा हमारा, मार्जिन जो हमारा यहाँ से यहाँ पे लिख देंगे मार्जिन टॉप 45 पिक्सल अप्रोक्सीमेट। चेक करते हैं, यहाँ पे देख लेंगे आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो सेंटर में आ चुका है हमारा। यहाँ से मार्जिन टॉप दे देंगे, मार्जिन टॉप से नीचे आ जाएगा। जितना चाहिए आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो आप। जैसे 50 ले लेते हैं तो और नीचे आ जाएगा। यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ 50 ले लेंगे तो और नीचे आ जाएगा। अगर इसी को परसेंटाइल में देना है आपको परसेंटाइल में भी दे सकते हो, लेकिन 50 की जगह पे आपको 20 या 10 यूज़ करना पड़ेगा। देख सकते हैं अभी, अब यहाँ पे मैं जैसे कि 20 देता हूँ या 15 देता हूँ, 15 देके चेक करते हैं, देखेंगे तो नीचे आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पे एक क्लास बनानी पड़ेगी index.html में। index.html में मेन एरिया के अंदर हम क्लास बनाएंगे, एक क्लास जैसे कि हम यहाँ पे डिवाइडेशन क्लास बना लेते हैं। एक क्लास का कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लेफ्ट देता हूँ। यहाँ पे हम लोग अभी तो लेफ्ट का क्लास बनाना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पे लेफ्ट का क्लास बना लेते हैं। अभी तो यहाँ पे लेफ्ट का क्लास बनाना पड़ेगा सबसे पहले, यहाँ पे लेफ्ट का क्लास बना लेते हैं। उसके बाद जैसे अभी लेफ्ट का है तो यहाँ से कितना लेना है, यहाँ से कितना लेफ्ट। अब जैसे कि इसको अभी हमने यहाँ पे विथ कितना दिया है इसको 300। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आधा यहाँ से आधा यहाँ से, तो 150 होता है।
तो अप्रोक्सीमेट मैं इसको दे देता हूँ यहाँ से, इसको जो विथ दूंगा मैं, इसका विथ जैसे अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं हम लोग 50%। इसकी हाइट भी देनी पड़ेगी, इसकी हाइट दे देंगे यहाँ पे 600, हमने यहाँ तक कितना लिया है 300 लिया हुआ है। इसको दे देंगे फ्लॉट लेफ्ट दे देंगे फ्लॉट लेफ्ट। इसके बाद में हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देंगे, बैकग्राउंड कलर जैसे अप्रोक्सीमेट यहाँ पे ले लेते हैं 158 DEA। कंट्रोल प्रेस स्क्वायर को सेव कर लेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे तो कलर आ जाएगा हमारा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें यहाँ पे होवर देना पड़ेगा, तो होवर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मेन एरिया, यहाँ पे मेन क्लास लेंगे, तो मेन क्लास हमारा मेन एरिया है, मेन क्लास को हमें देना है होवर, मेन क्लास होवर डॉट लेफ्ट, हमें लेफ्ट को देना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ओपन एंड क्लोज, लेफ्ट से इसको 50%, इसको जो हम देंगे उसको माइनस में, लेफ्ट से इसको -50% दे देंगे, जो यहाँ से 50% आएगा वही माइनस हो जाएगा जब माउस लेके जाएंगे तब। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लिया है, बॉर्डर रेडियस ही पूरा अनहाइड किया है हमने, तो इसके नीचे हमें ट्रांजिशन लिखना पड़ेगा, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड लिखना पड़ेगा। इसको टाइम देंगे हम, यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे जैसे कि भी ये ट्रांजिशन देने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अब जैसे मेन एरिया है और लेफ्ट को, ये दोनों को कंबाइन करने के लिए करना पड़ेगा, अटैचमेंट के लिए हम यहाँ पे पोजीशन यूज़ करते हैं, पोजीशन यहाँ पे रिलेटिव का यूज़ करेंगे, और जिसको देना है उसके साथ में अटैच करना है तो उसको पोजीशन एब्सोल्यूट, यहाँ पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो हमारा लेफ्ट का क्लास होगा, लेफ्ट का क्लास, उसमें हम यहाँ पे ट्रांजिशन देंगे, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड देंगे, जो कि टाइम रहेगा हमारा, देखेंगे। अभी यहाँ पे सेव कर ली, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करके देखेंगे, जाके देखेंगे तो गायब हो जा रहा है, लेकिन वो आ नहीं रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा यहाँ पे 0.5 ट्रांजिशन दिया है, इसको बताना पड़ेगा कि लेफ्ट से जीरो है, लेफ्ट से इसको बताना पड़ेगा लेफ्ट से जीरो है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आके रिफ्रेश कर लेंगे, रिफ्रेश करके चेक करेंगे, रिफ्रेश करके देखेंगे माउस लेके जा रहा है तो ये अंदर चला जा रहा है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। अब जैसे यही काम हमें राइट से भी चाहिए, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये जो हमारा लेफ्ट क्लास है और ये लेफ्ट होवर है, क्या करेंगे, इसी को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल प्लस सी करके इसको पेस्ट कर देंगे, इसी के नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। लेकिन जैसे हमें राइट में चाहिए तो यहाँ पर राइट का क्लास पहले बनाना पड़ेगा हमें, मेन एरिया के अंदर हमें यहाँ पर क्लास बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लास बन गई हमारी, अब जहाँ जहाँ हमने यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है इसको राइट कर देना है बस, राइट, जैसे कि हमें राइट क्लास है हमारा। उसके बाद उसको बताना पड़ेगा कि राइट से भी जीरो है, यहाँ पे जैसे लेफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद में क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन होवर है इसमें भी हमें क्लास राइट देना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा राइट है, और ये जो लेफ्ट हमने -50 दिया हुआ है इसको भी राइट -50 करना पड़ेगा। अब कंट्रोल प्लस इसको सेव कर लेते हैं, अब यहाँ पे क्रोम में आके रिफ्रेश करके चेक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे तो जा रहा है, लेकिन जैसे कि जल्दी जल्दी जा रहा है तो और आराम से चाहिए, तो हमने यहाँ पे 0.5 सेकेंड दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट आप 1 सेकेंड भी डाल सकते हो, यहाँ पे पोजीशन के नीचे 1 सेकेंड डाल के सेव करेंगे, यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, फिर जाके चेक करेंगे, तो अभी देखेंगे थोड़ा आराम से जा रहा है। लेकिन क्या हमें जैसे कि अभी साइड से जा रहा है दोनों, अब चाहिए कि ऊपर से और नीचे से भी जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे index.html में, यहाँ पे उसी के नीचे एक क्लास और बनाएंगे, जैसे कि क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम दे देंगे, जैसे ऊपर से चाहिए तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं देता हूँ यहाँ पे टॉप। टॉप देने के बाद में जो मैंने राइट वाला कॉपी किया है इसी को कॉपी कर लेना है, कॉपी करके उसी के नीचे इसको पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद जहाँ जहाँ राइट लिखा हुआ है वहाँ टॉप कर देना है आपको, यहाँ भी जैसे भी राइट है इसको भी कर देते हैं टॉप, जैसे ये टॉप से जीरो था इसको भी टॉप कर देंगे। उसके बाद जैसे कि ये देखेंगे यहाँ पे विड्थ जो है 50% है, विड्थ देखेंगे 50% है,
लेकिन हमें ऊपर से चाहिए, तो ऊपर से जैसे कि हाइट चाहिए हमें, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि हमें जो विथ है, विथ को 100% रखना है, विथ को 100% मतलब 300 पिक्सल रखना पड़ेगा, और इसका जो 300 पिक्सल है इसको 50% करना पड़ेगा, 50% करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे कि राइट से था -50, इसको कर देंगे टॉप से -50, टॉप से -50 कर देंगे। यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस करके इसको सेव कर लेंगे। जैसे कि हमारा कलर ये था, तो हम जैसे कि दूसरा कलर दे देते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं ब्लैक, अप्रोक्सीमेट कौन सा भी कलर ले सकते हैं। यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। अब यहाँ पे आके चेक करेंगे, यहाँ पे माउस लेके जा रहे हैं तो ऊपर नीचे तीनों साइड जा रहा है, लेकिन ये क्या, हमें इस साइड जो है ब्लैंक है, इसको फिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे index.html में आना है, उसके बाद जहाँ पे हमने टॉप का क्लास बनाया इसी के नीचे यहाँ पे एक बॉटम का क्लास बनाना पड़ेगा। क्लास बॉटम का क्लास बना देंगे, कंट्रोल प्लस एस करके इसको सेव कर लेंगे। style.css में आएंगे, जो हमने यहाँ पे टॉप का क्लास लिया हुआ था, टॉप का क्लास यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसी को नीचे पेस्ट कर देंगे, इसी को नीचे पेस्ट कर देंगे। जहाँ जहाँ टॉप लिखा हुआ है बस इसको बॉटम कर देना, आपको बॉटम कर देना है। उसके नीचे यहाँ पे भी टॉप का क्लास है, यहाँ पे भी बॉटम कर देना आपको। उसके बाद जहाँ जहाँ टॉप है वहाँ सब जगह बॉटम करना है, बॉटम। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेंगे, रिफ्रेश करके चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, अभी माउस लेके जा रहे हैं, देखेंगे तो चारों जा रहे हैं, लेकिन चारों एक साथ जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ये वाला ऊपर का है, ऊपर जैसे हमारा ब्लैक है, तो ब्लैक वाले को क्या करेंगे, 0.5 सेकंड दे देंगे टाइम, ब्लैक वाले को, दोनों ब्लैक वाले को 0.5 सेकंड दे देंगे, 0.5 सेकंड दे देंगे। उसके बाद जाके चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे तो भी जा रहा है। तो अंदर अभी कुछ हमें चाहिए, मेंशन चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर index.html में आएंगे, यहाँ पे बॉटम जो हमारा है ना, बॉटम के बाहर यहाँ पे h1 ले लेते हैं, h1 ले लेते हैं, h1 के अंदर जैसे कि मैं दे देता हूँ वेलकम 2023। कंट्रोल प्लस एस करके इसको सेव करना है, यहाँ पे आके रिफ्रेश करना है, देखेंगे तो ये बाहर जा रहा है, लेकिन ये हमें सेंटर में चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे style.css में आएंगे, hashtag main area, यहाँ पे मेन एरिया ले लेंगे, क्योंकि मेन एरिया में हमारा प्रोडक्ट है, मेन एरिया ले लेते हैं। उसके बाद h1 ले लेंगे इसका, इसका जो फॉन्ट साइज रहेगा, फॉन्ट साइज जैसे अप्रोक्सीमेट जैसे 20 पिक्सल या 30 पिक्सल ले लेते हैं। फॉन्ट फैमिली जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एरियल, फॉन्ट फैमिली एरियल। कलर जो हमारा रहेगा वो ब्लैक रहेगा, चेक कर लेते हैं एक बार आके। और पैडिंग टॉप, पहले टेक्स्ट लाइन सेंटर ले लेते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब चेक करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेंगे, रिफ्रेश करने के बाद चेक करेंगे, देखेंगे ये तो अभी टेक्स्ट लाइन में आया, लेकिन ये क्या बीचों बीच में आया, ऊपर आया, लेकिन ये हमें सेंटर में चाहिए। सेंटर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे पैडिंग टॉप का यूज़ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अभी यहाँ पे 50 पिक्सल। अब चेक करेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है, नीचे बरोबर आया कि नहीं आया, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, देखेंगे तो 50 पिक्सल इतने ही आया। तो ज़्यादा देना रहता है, अगर 100 पिक्सल या ऊपर जाना देना रहता है आपको, तो डायरेक्ट परसेंटाइल में दिया करो, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ 25 या तो 20% देता हूँ मैं। कंट्रोल प्लस आर करना है, यहाँ पे चेक करना है, तो 20 नहीं आ रहा है, थोड़ा और नीचे चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 50% लिख देंगे, 50% लिखेंगे, चेक करेंगे तो ज़्यादा आ गया। इसके लिए हम लोग यहाँ पे 45% देंगे, 45% देके सेव करेंगे, यहाँ के रिफ्रेश करेंगे, चेक करेंगे तो 45% लिखेंगे तो सेंटर में आए। लेकिन जैसे कि अभी हमें यहाँ पे फॉन्ट फैमिली दूसरा देना है, या तो वही दे देते हैं, चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सेव कर लेना, यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेना, यहाँ पे चेक करना है आके, देखेंगे तो चेंज हो गया, वेलकम 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमें इसके अंदर इमेज डालना है, इमेज जैसे ब्लैक ब्लैक के ऊपर डालना है,
तो ब्लैक वाले के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे टॉप बॉटम पे आएंगे स्टाइल डॉट सीएसएस में, यहाँ पे टॉप बॉटम में आएंगे। टॉप बॉटम जैसे कि हमारा ये टॉप का हो गया, ये भी जो बैकग्राउंड कलर हमने लिया है ना, ये बैकग्राउंड कलर की जगह पे हमें URL लिखना है, URL लिखना है, डॉट डॉट लिखना है, स्लैश इमेजेस स्लैश, यहाँ पे देखेंगे तो हमने इमेजेस का फोल्डर बनाया है, इसके नीचे हम लोग ने लिखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ बैनर, ऑलरेडी मैंने इमेज लिया हुआ है बैनर 03.png सेंटर नो रिपीट, कंट्रोल प्रेस करके इसको सेव कर देंगे, रिफ्रेश कर लेंगे, रिफ्रेश करेंगे, चेक करेंगे अभी, जैसे अभी ऊपर नीचे जा रहा है, तो जैसे ही ऊपर नीचे जा रहा है वैसे हमें इसमें भी पेस्ट करना पड़ेगा नीचे वाले में, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ से स्क्रॉल लेफ्ट कर लेते हैं, जो हमने बॉटम वाला दिया हुआ है बॉटम का बैकग्राउंड, इसको भी यहाँ से हटा देंगे, इधर भी URL लिख लेंगे, URL डबल डॉट उसके आगे डबल डॉट लिख लेंगे, स्लैश इमेजेस स्लैश बैनर 04.png, इसके आगे बाहर लिख लेंगे यहाँ पे सेंटर नो रिपीट, कंट्रोल प्लस एस करके इसको सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देंगे, चेक करेंगे अभी, अब दोनों इमेज एक में ही लग रहा है, यहाँ पे अभी चेक करेंगे ऐसा हो जाएगा। अगर ज़्यादा अंदर वाले जैसे कि भी ब्लू कलर है उसको भी इमेज देना है आपको तो आप दे सकते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे आएंगे लेफ्ट राइट में, लेफ्ट राइट वाले में आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, URL लिखेंगे डबल डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश इमेजेस स्लैश, यहाँ पे देखेंगे तो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, इसके लिए भी मैंने फ़ोटोज़ बनाए फ़ोटोशॉप से, आप जाके चेक भी कर सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं फ़ोटोज़ दे दूँगा 01.png। इसके बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे सेंटर नो रिपीट, सेव कर देंगे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद में अभी जो हमारा यहाँ पे है इसको रिफ्रेश कर देंगे, चेक करेंगे जाके, अभी देखेंगे तो लेफ्ट साइड का आ गया है, लेफ्ट साइड का आ गया, अभी राइट साइड का भी ब्लू कलर है तो राइट साइड में आएंगे, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है हमारा इसको भी हटा देंगे, URL लिख देंगे स्लैश इमेजेस स्लैश, उसके बाद मैंने भी ऑलरेडी इसका भी इमेज लिया हुआ है बैनर 03 मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है .png, इसके आगे लिख देंगे सेंटर नो रिपीट, इसको सेव कर देंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे आके चेक कर लेंगे रिफ्रेश करके। अब जैसे कि अभी ऊपर का अभी टाइमर और बढ़ाना है, जैसे अंदर वाला टाइमर बढ़ाना है आपको, तो जैसे कि यहाँ पे है 1.5 पिक्सल दे देंगे, 1.5 सेकंड दे देंगे, सॉरी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दे देंगे 1.5 सेकंड दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे राइट में भी, यहाँ पे भी 1.5 सेकंड दे देंगे, 1.5 सेकंड दे देंगे, इसको भी सेव करके चेक करेंगे भी, ऊपर वाला आराम से आएगा लेकिन अंदर वाला थोड़ा स्लो जाएगा, ऐसा जितना स्लो अंदर बाहर चाहिए, जैसे कि ऊपर का चाहिए, टॉप का चाहिए और बॉटम का चाहिए, तो यहाँ पे आके इसको स्लो कर देंगे टाइमर, और जैसे अंदर का चाहिए तो उसको भी स्लो कर देंगे, और जैसे अंदर आप कुछ भी दिखा सकते हो, ये रहा आपका एनिमेशन, आप कुछ भी अंदर दिखा सकते हो, वेलकम टू 23 लिखा है मैंने, अब आप इसके अंदर भी इमेज डाल सकते हो, इफेक्ट डाल सकते हो, बहुत सारे डाल सकते हो, जैसे कि मैं इसको बॉक्स शैडो डालता हूँ, जैसे कि अभी है H1 है, H1 हमारा जो है बॉक्स शैडो जैसे कि मैं 5 पिक्सल ऊपर नीचे से और 5 पिक्सल जो है लेफ्ट राइट से, उसके बाद में 5 पिक्सल ब्लर लेता हूँ, कलर लेता हूँ ब्लैक, सेव करता हूँ यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, चेक करेंगे अभी, देखेंगे तो लग गया है।